कश्मीर घाटी में बड़ी टारगेट किलिंग की घटनाओं ने सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। एक समुदाय ने नेता के बुधवार को दावा किया कि गुलगांव में एक हिंदू शिक्षा की हत्या के बाद कम से कम 100 से अधिक हिंदू परिवार कश्मीर से पलायन कर गए हैं। आतंकवादियों ने मंगलवार को श्रीनगर के दक्षिण में स्थित कुलगांव में एक सरकारी स्कूल के बाहर 36 साल की रजनी बारा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बारामुल्ला में एक कश्मीरी पंडित कॉलोनी के अध्यक्ष अवतार कृष्ण भट्ट का कहना है कि मंगलवार से इलाके में रहने वाले 300 परिवारों में से लगभग आधे पलायन कर गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कल की हत्या के बाद से वे डर गए थे। हम भी कल तक चले जाएंगे, हम सरकार के जवाब में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमें कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने के लिए कहा था। निवासियों ने दावा किया कि पुलिस ने श्रीनगर के एक इलाके को सील कर दिया है और उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी रहते हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन ने परिवारों के पलायन पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले महीने कश्मीरी पंडितों को आश्वासन दिया था कि उनकी सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएंगे। पिछले महीने तहसील कार्यालय में के काम करने वाले एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के उनके ऑफिस के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के अन्य कर्मचारियों ने विरोध किया था। इन्होंने कश्मीरी घाटी के बाहर सुरक्षित क्षेत्रों में फिर से जगह उपलब्ध कराने की मांग की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल बैठक मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। आतंकवादियों की घाटों में टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए के बीच 15 दिनों में से कम इससे तरह की यह दूसरी घटना है। अधिकारियों में कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे।